हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, होली रंगों का त्यौहार है और ये अपने साथ ढेर सारी मौज मस्ती और उत्साह लेकर आता है। हर बार हम बड़े जोश और उत्सव के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन इस बार हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं पायल आप सब के लिए हमेशा की तरह लेके आई हूँ कुछ अलग और कुछ नया। जी हाँ, आपके मनोरंजन में कहीं कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके नंबर वन शोज में होली बड़े ही धूमधाम से मनेगी। तो मैं आज आपको ऐसे ही स्पेशल दो शोज के बारे में बताऊंगी, जो कि है अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के स्पेशल एपिसोड्स के बारे में, जो कि है होली स्पेशल एपिसोड्स। और उन शोज के कुछ ऐसे पल भी बताऊंगी जिनको सुन के आप भी रह जाओगे दंग। अनुपमा टीवी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफी धमाकेदार होने वाला है। अब अनुपमा वनराज और काव्या की कहानी में होली स्पेशल एपिसोड में काफी ट्विस्ट एंड टर्न लेकर अपने साथ आ रहा है। जैसे ही शाह परिवार में बहुत ही भव्य तरीके से होली उत्सव मनाया जाने वाला है, इसी बीच राखी अब काव्या के गुस्से में घी डालने का काम करेगी, जिससे अनुपमा के लिए काव्या के प्रतिशोध में वापसी देखने को मिलेगी। राखी वास्तव में अनुपमा का समर्थन करती है, लेकिन काव्या का अपमान करने का कोई मौका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर राखी शो में काव्या की इविल साइड को ट्रिगर करती नजर आएंगी। वो अनुपमा शो में काव्या का मजाक उड़ाएंगी कि उसे अकेले होली मनानी पड़ रही है। इस होली वनराज ने अनुपमा से पूरे जोश में होली सेलिब्रेट करने की मांग की है। तब अनुपमा को ये मौका मिलता है कि वो बड़ी चतुराई से वनराज को रंग लगाए। वनराज खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, साथ ही उसे अनुपमा पर गुस्सा भी नहीं आएगा। अनुपमा वनराज को रंग लगाने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि ये दोनों की साथ में आखिरी होली है। इधर काव्या पहले से ही वनराज के साथ उसके कमरे में छिपकर खुद को बचाती है। काव्या और ज्यादा गुस्से में आ जाती है जब अनुपमा अंत में वनराज पर रंग डालती है। काव्या किसी भी शर्त पर अनुपमा को जीतने देने के लिए तैयार नहीं है। अब वो अनुपमा को हर्ट करने के लिए एक खतरनाक प्लान बना रही है। काव्या आप किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि काव्या किस हद तक गिर सकती है। दोस्तों, मोहसिन खान और शिवांगी जोशी स्टारर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर इन दिनों होली स्पेशल एपिसोड की शूटिंग चल रही है। इसी बीच सभी कलाकार हेक्टिक शेड्यूल के बीच जमकर धमाल भी मचा रहे हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने महीनों बाद टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बनानी शुरू की है। इस हफ्ते सामने आई टीआरपी के टॉप 5 शोज की लिस्ट में भी राजन शाही के इस सीरियल ने अपनी जगह पक्की कर ली है। अब मेकर्स मोहसिन खान और शिवांगी जोशी स्टारर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड को दिलचस्प बनाने के लिए जमकर मेहनत कर रहे नजर आ रही है। इस सीक्वेंस की शूटिंग काफी हैक्टिक है, जिसके चलते कलाकारों को सेट पर घंटों घंटों रुकना पड़ता है। टाइट शेड्यूल के बीच भी इस सीरियल के कलाकार एक दूसरे को चीयर अप करने के लिए खूब मस्ती भी कर लेते हैं। इस बात का सबूत मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के नए वीडियोस है। दोनों ही कलाकारों ने सोशल मीडिया पर सेट से बनाई गई वीडियोस को शेयर किया है, जिसमें वो मस्ती भरे मूड में नजर आ रहे हैं। मोहसिन खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो पंजाबी गाने ब्राउन मुंडे पर टशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में मोहसिन खान के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कोरियोग्राफर हिमांशु गडानी नजर आ रहे हैं। मोहसिन खान ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो पानी की बोतल को शराब की बोतल बनाकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोहसिन खान इतनी मस्ती कर रहे हैं तो सीरियल की लीड एक्ट्रेस शिवांगी जोशी भला कैसे पीछे रह सकती है। शिवांगी जोशी ने तो लगे हाथ सेट पर अपने नए गाने किस्मत तेरी को ही प्रमोट कर दिया। इस गाने पर शिवांगी जोशी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और इस वीडियो में उन्हें कोरियोग्राफर हिमांशु गडानी की कंपनी भी मिली है। वेल, होली के साथ साथ इस बार दर्शकों को कुछ इमोशनल सीन्स भी दिखाएंगे इस शो में, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दर्शकों को होली पर रुलाएंगे मेकर्स। नायरा की आत्मा से होगी कार्तिक की मुलाकात।
जी हां, होली सेलिब्रेशन के दौरान नायरा को देखकर कार्तिक हक्का बक्का रह जाएगा और उसे इस तरह से देखकर सीरत हैरान हो जाएगी। कार्तिक को अचानक से एहसास होगा कि नायरा उसके आसपास ही है। ये सीन बिल्कुल फिल्म मोहब्बतें के आइकॉनिक सीन की तरह होगा, जब होली में ऐश्वर्या राय बच्चन ने किरदार की आत्मा शाहरुख खान द्वारा निभाए गए किरदार को नजर आती है। वेल, अब नायरा तो कार्तिक के दिल में बसी है, तो वो कहाँ जाएगी, उसको तो आना ही है एक दिन। अब हमारे भी जाने का वक्त हो चला है। दोस्तों, आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी अपने घर में अपनों के साथ होली मनाएं, और हाँ, वो हमारी होली गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।